बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत मूड अच्छे और हैप्पी हैप्पी होने वाले हैं क्योंकि ईद आ गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद में मीठा ना हो और मज़ेदार और सुपर डुपर ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो कमल इन द किचन में मैं अपने व्यूअर्स को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो मीठा शेयर करने जा रही हूँ, प्यारे प्यारे गोल्डन ब्राउन गुलाब जामुन, इतने मज़ेदार हैं व्यूवर्स कि आप एक दफ़ा नहीं इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। एक प्याली भर के मैंने ड्राई मिल्क लिया है नीडो, एक प्याली के करीब मैंने शुगर ली है और एक चम्मच जो है इसकी मेजरिंग के मुताबिक, अगर एक प्याली है तो एक बड़ा चम्मच मैंने मैदे का लिया है। बेकिंग पाउडर जाएगा, चाशनी के लिए इलायची जाएगी, गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ता जो आपको अच्छा लगे गार्निशिंग के लिए, और एक अंडा जाएगा। ये सब चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए, ये आपने लाजमी व्यूवर्स इस चीज़ को नोट डाउन रखना है। तो यहाँ पे व्यूवर्स हम चाशनी को पहले अपने स्टार्ट कर देते हैं। दो प्याली हमने पानी लिया है और एक प्याली जो है हमने शुगर ली है, तो चाशनी को हम रख देते हैं। एक कप ड्राई मिल्क पाउडर जाएगा, मैदा गया, बेकिंग पाउडर को हम अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे। अंडा जाएगा, तो चलें व्यूवर्स इनको हम अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लेते हैं। नीडो के गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो मैं भी यही प्रेफर करूंगी कि आप भी मिल्क पाउडर जो है वो नीडो यूज़ कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं और क्रैक्स भी नहीं आते। तो चलें अब इसको हम अपने देसी तरीके से व्यूवर्स थोड़ा मिक्स करते हैं। ये जो इसकी स्टिकीनेस है ना, ये व्यूवर्स होनी चाहिए, ये इसकी गुड थिंग है कि इसके अंदर ये स्टिकीनेस होनी चाहिए। तो चलें अब हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीसी करेंगे। अच्छे से ग्रीसी कर लिया है तो अब गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसमें ये ऐसी शाइन आनी ज़रूरी है, ये देखें। माशाल्लाह ये देखें हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स रेडी हैं। तो अब मैं आपके सामने इनको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है। ऑयल हमें बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। प्यारा सा कलर हम लेके आएंगे और जो चाशनी भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें बहुत अच्छे से फूल के इनका साइज भी अपग्रेड हो गया है। आप ये देखें चेक करें और ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल रहे हैं। और ये फ्राई होने के बाद चाशनी में जाने के लिए बेताब हैं और उसके बाद हमारे मुंह में खाने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, खुशबू आ रही है मज़ेदार। यहाँ पे आप इसके कुकिंग प्रोसेस को छोड़िएगा नहीं ताकि ये डार्क कलर ना हो जाए एकदम। कितना प्यारा आइडियल गुलाब जामुन का कलर्स आ गया है। तो चलें इनको हम थोड़ी देर के लिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसको हम ऐसे रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए व्यूअर्स ये देखें मैंने बॉल में डिश आउट करके, तो फिर ऊपर से हम ये चाशनी डाल देंगे। चलिए व्यूअर्स इसकी हम प्यारी सी गार्निशिंग कर रहे हैं।